हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज 13 जून हो चुका है और आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। आज मार्केट आपको दोस्तों डाउन साइड देखने को मिल रहा है। अभी की प्राइस पे लगभग आपको 11:30 बजे मार्केट दोस्तों डाउन चला गया था, लेकिन जैसे डाउन गया मार्केट, आपको दोस्तों उज्जीवन स्मॉल में भी आपको गिरावट देखने को मिल गई। तो सवाल आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए इसके बारे में, क्या अभी के प्राइस पे इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है। मेरे पास कमेंट भी काफ़ी आ रहे हैं इसके ऊपर कि हम इसमें इन्वेस्ट करें ना करें। तो मैं देखो आपको एक बात कहूँगा आपके फायदे के लिए कि इसमें आप इन्वेस्ट ना करो तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि स्टॉक ने लगभग 6 मंथ निकाल चुके हैं, या फिर 6 मंथ निकाल दिए शेयर ने। लगभग आपको कभी भी स्टॉक की प्राइस हाई होते हुए नहीं देखने को मिली है। आपको डेली डाउन हाई, कभी कभी 54-58 के आसपास स्टॉक गया 6 मंथ में, लेकिन उसके बाद पीछे मरड़ के स्टॉक ने नहीं देखा पिछली वाली प्राइस पे। यहाँ 5 डे में 1% 2% के आसपास उछाल, 1 मंथ में 5% गिरावट, 6 मंथ में 20% गिरावट। मतलब आपको दोस्तों स्टॉक 6 मंथ के अंदर आपको गिरावट ही देखने को मिली स्टॉक में। तो मुझे इस स्टॉक कोई भी उम्मीद नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो ना करो। अगर करते हो आप, तो आप खुद रिस्क ले सकते हो, रिस्क लेके इन्वेस्ट करो।